हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राहुल भागता हुआ अपने ऑफिस की सीढ़ियों से ऑफिस के रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचता है और बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था। घड़ी में 9 बजने में बस 1 मिनट का समय था, लेकिन फिर भी राहुल वहां तक जाने में लेट हो जाता है और रिसेप्शन पर बैठा आदमी राहुल को लेट होने पर बॉस के पास जाने को कहता है। तभी राहुल उससे कहता है, हे भगवान, मैं आज फिर लेट हो गया। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ इतनी जल्दी? आज फिर मेरा बॉस मुझे सुनाएगा, रिमांड लगाएगा मेरी। अब मैं क्या करूँ, नहीं जाऊँ क्या? नहीं, जाना तो पड़ेगा। नहीं गया तो जॉब से निकाल देगा। इतना कहकर राहुल अपने बॉस के केबिन में जाता है, जहां बॉस राहुल को देख कर कहते हैं, अरे राजकुमार जी, आ गए आप। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे मुझे बता देते, एक शाही पालकी भेज देता आपके लिए। बॉस माफ कीजिएगा, घर में वो थोड़ा काम आ गया था, इसलिए आने में देरी हो गई। अरे अरे राजकुमार जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैंने ऑफिस का टाइम आपके हिसाब से नहीं रखा। अरे आप कहें तो कल से ऑफिस आपके ही हिसाब से शिफ्ट कर देता हूँ। बताइए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। सॉरी बॉस, आगे से ना कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। सॉरी माय फुट, तुम्हारा ये ड्रामा रोज रोज का हो गया है। अरे अगर तुम एक दिन और लेट आए ना, तो इस ऑफिस से तो क्या, इस एरिये में भी तुम दिखोगे नहीं, समझे? ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अब दफा हो जाओ। खबरदार काम खत्म होने से पहले जो घर गए। लेकिन बॉस मेरी बात तो सुनिए, आज मुझे जल्दी जाना है, मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। एक तो लेट आए हो, ऊपर से जल्दी घर जाना है। अरे काम खत्म होने से पहले तू टॉयलेट भी नहीं जाएगा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। बॉस की डांट सुनकर राहुल मन में उसे ढेर सारी गालियाँ देते हुए अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, बार बार राहुल अपनी घड़ी में टाइम ही देख रहा था, क्योंकि आज उसके कुछ स्कूल फ्रेंड्स मिलने वाले थे उससे, और वो जल्दी जल्दी शाम के 7 बजे अपना काम खत्म करके बॉस के केबिन में रिपोर्ट देने जाता है। तो बॉस फोन पर बात कर रहा होता है और राहुल से 5 मिनट रुकने के लिए कहता है। 5 मिनट होते ही राहुल फिर से बॉस को टोकता है और बॉस फिर से उसे रुकने के लिए कहता है। ऐसे ही 5 मिनट के बहाने बॉस उसका 1 घंटा ले लेता है और ऐसे ही 8 बज जाते हैं और राहुल अपने बॉस को नाराजगी भरी नजरों से देखता है। ठीक 8 बजे बॉस कॉल कट करके राहुल से कहता है, राहुल तुम अब तक यहाँ खड़े हो? तुम्हारा काम हो गया तो तुम घर क्यों नहीं जा रहे? सर काम पूरा हो गया है, मैं रिपोर्ट के लिए आया था, लेकिन आप कॉल पे बात कर रहे थे और 8 बज गए अब तो। वो एक बहुत जरूरी कॉल था, वैसे अब तुमने बता दिया कि काम हो गया है तो जाओ घर, मुझे भी देर हो रही है। बॉस की बातों से राहुल को गुस्सा तो आता है, पर वो अपने काम की वजह से चुप होकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पर उसके स्कूल के 2 दोस्त मोहन और कौशल इंतजार कर रहे थे। तीनों दोस्त पूरे 10 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। जब राहुल घर आता है तो उसके दोनों दोस्त भागते हुए आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। अबे तेरी देर से आने की आदत अभी तक गई नहीं? स्कूल भी लेट जाता था और घर भी लेट आता है, अबे कभी ऑफिस तो लेट नहीं जाता ना। भाई क्या बताऊं, मेरा जो बॉस है ना, एक नंबर का कमीना है कमीना। जानबूझ के ऑफिस में इतनी देर तक रोके रखा उसने मुझे। अबे इतनी देर तक ना, हमारा हिस्ट्री वाला सर भी हमें नहीं रोकता था। अरे रोकता भी कैसे, 1 घंटे में तो उसकी हालत खराब हो जाती थी हमसे। इतना कहकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हंसते हंसते तीनों दोस्तों की आंखें नम हो जाती है और एक दूसरे से सवाल करते हुए वो कहते हैं, अरे क्या हुआ, तू हंसते हंसते रोने क्यों लगा? कुछ नहीं यार, इतने दिनों बाद तुम लोगों को देख के ना उस स्कूल की याद आ गई। राहुल इतना कहता ही है कि तभी मोहन की नजर सामने वाली दीवार पर 3 दोस्तों की तस्वीर पर पड़ती है। उसे देखकर मोहन कहता है, राहुल ये फोटो तो हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन की है ना, हम तीनों ने ये फोटो रोहन के फोन से ली थी, वो भी स्कूल के स्टेज पर, याद है तुझे? ओ तेरी, हाँ यार तुझे याद है, उस दिन राहुल ने कोमल को आई लव यू कहा था और कोमल ने जो इसकी धुलाई की थी, फिर तो मजा ही आ गया था। अबे उम्र के साथ साथ ना मेरी नहीं तेरी अकल कम हो गई है। अबे कोमल ने मुझे नहीं तुझे मारा था, क्योंकि तू उसके पीछे फूल लेके भाग रहा था। भाई मैं नहीं भाग रहा था, और फिर उसने अपने जूते से तेरे मुंह पे 6 नंबर छाप दिए थे। सही कहा भाई, मुझे भी याद है, उस दिन के बाद से इसने कोमल की तरफ देखना भी बंद कर दिया था। हाँ तो क्या हुआ, उसके अगले दिन रीटा ने मुझे आई लव यू कहा था,
और ये सब छोड़, तुम्हें वो दिन याद है जब हम तीनों ने पहली बार सिगरेट पी थी? यार मुझे सही से कुछ याद नहीं है, कुछ कुछ बातें याद है। अच्छा रुक, मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब याद है अच्छे से। स्कूल के टॉयलेट में एक लड़का जाता है तो उसे कुछ लड़कों के बातें करने की आवाज़ आती है, जिसे वो दीवार पर कान लगाकर सुनने लगता है। भाई भाई जल्दी से निकाल वरना कोई आ जाएगा। अरे मैं नहीं निकाल रहा, इससे बोल ये निकालेगा। साले तू हम सबको फंसवाएगा, रुक मैं निकालता हूँ पहले। अंदर से आ रही इन अजीब आवाजों को सुनकर लड़का भागता हुआ अपने टीचर के पास जाता है और सब कुछ उसे बताता है। टीचर अपने हाथ में डंडा लिए टॉयलेट की ओर आते हैं और एक झटके से ही दरवाजा खोल देते हैं, तो देखते हैं कि अंदर मोहन, राहुल और कौशल तीनों एक साथ थे। मोहन और राहुल के हाथ में सिगरेट थी और कौशल अपने मुंह से धुआं सीधा टीचर के मुंह पर फूंक देता है। लगता है ये सिगरेट हमारी जिंदगी की पहली और आखिरी थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि घर जाकर मम्मी चप्पल से मारेगी या बेलन से। भाई मुझे तो पोटी आ रही है। टीचर और उसके साथ के दो लड़के उन तीनों को वहाँ से पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं, जहाँ तीनों को बहुत मार पड़ती है। क्लास के बाहर उन तीनों को खड़ा कर दिया जाता है। तभी कौशल कहता है, भाई लगता है आज हिंदी वाले को उसकी बीवी ने बहुत मारा है, तभी उसने अपनी सारी खुंदस हम मासूम बच्चों पर उतार दी। देख जरा मेरा पिछवाड़ा कैसे गुब्बारे की तरह फूल गया। भाई यार मेरा तो पूरा शरीर दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा इन लोगों ने। अबे कोई जगह भी नहीं चोरी मार मार के, ऊपर से मुर्गा बना दिया, अब अंडे देना ही बाकी रह गया। यहाँ दोनों अपनी पिटाई की बात कर रहे थे, वहाँ अचानक मोहन अपना मुंह छुपाने लगता है और उसे देखकर राहुल कहता है, अबे अब तुझे क्या हुआ, तू क्यों मुंह छुपा रहा है? अरे सामने देख मुर्गे की मुर्गी आ रही है। अपने मुंह का डर बंद कर, अगर उसने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ देगी वो। ये सब छोड़, ये बता तुम दोनों को कोई बदबू आ रही है? अरे सॉरी भाई मुझे बड़ी जोर का आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। जो भी है खुशबू अच्छी है ना, मैंने सुबह गोभी के पराठे खाए थे। कौशल की बात सुनकर दोनों दोस्त उसे मारने लगते हैं। सालो तुम दोनों ने उस दिन मुझे बहुत मारा था, तूने काम भी तो ऐसे ही किया था। जो भी था बहुत अच्छा था, लाइफ की पहली सिगरेट ने एक ही दिन में कितना कुछ दिखा दिया ना। राहुल यार स्कूल में सब कुछ कितना अच्छा था ना, लेट होने पर साइंस वाली मैम बस दो बातें सुनाकर क्लास के अंदर बुला लेती थी, और जिस दिन नहीं बुलाती उस दिन पूरे स्कूल में घूमते थे। अरे भाई मैं तो दूसरी क्लास में जाकर भी बैठ जाता था। मैं क्या कह रहा था कि कल संडे है, हम सब की छुट्टी भी है, क्यों ना हम अपने पुराने स्कूल घूम के आए। हाँ ये भी सही है, मैंने भी सुना है हमारे स्कूल के जो गार्ड एंकर थे ना रामू काका, अभी वो वहीं है, उनसे भी मिल लेंगे। अगली सुबह वो तीनों दोस्त अपने स्कूल की यादों और स्कूल के दिनों को फिर से जीने के लिए अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। आपके स्कूल की वो कौन सी यादें हैं जिन्हें आप आज भी याद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। निर्मला एक बहुत ही पुरानी सोच की औरत होती है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी बहुएं बाहर जाकर काम करें, इसीलिए निर्मला अपनी बहुओं को बाहर काम करने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है। लेकिन निर्मला की पांच बहुएं एक आत्मनिर्भर औरत थी, वो शादी से पहले बाहर काम किया करती थी, लेकिन शादी के बाद निर्मला की बात सुनकर पांचों काम छोड़ देती हैं। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू निशा, दूसरी बहू सिमरन, तीसरी बहू सेजल, चौथी बहू नीतू और पांचवी बहू प्राची के साथ बैठी होती है। तभी निर्मला की चौथी बहू नीतू बोलती है, माँ जी अब तो हमारा परिवार बढ़ गया है, हम पांच बहुएं हैं घर में और शायद कुछ समय बाद हमारे बच्चे भी होंगे तो हमारा परिवार और भी बढ़ जाएगा। बहू तेरे मुंह में दही शक्कर, बस जल्दी से मेरा पोता पोती आ जाए। माँ जी मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे में तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो क्यों ना मैं जॉब वापस शुरू कर दूँ। वो क्या है ना, घर का काम तो जल्दी ही खत्म हो जाता है, हम पांच हैं ना इसलिए, और पूरा दिन घर में रहने से अच्छा है कि कहीं काम कर ले। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये बोलते हुए? अरे मेरे नाक कटवाओगे क्या तुम दोनों? माँ जी इसमें शर्म आने वाली क्या बात है, हमारे पति भी तो घर के लिए ही काम करते हैं, तो अगर हम भी घर में मदद करने के लिए कोई काम करे तो बुराई क्या है इसमें? घर में चार पैसे ज्यादा ही तो आएंगे ना, हमारे पतियों का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। कैसी बहुए हो तुम? अरे मेरे बेटू ने कोई कमी नहीं रखी तुम पाचू के लिए, फिर भी तुम्हें बाहर जाकर ही काम क्यों करना है, घर में रहा नहीं जाता तुम पाचू से?
हम कुछ गलत बात थोड़ी ना बोल रहे हैं ना, घर के भले के लिए ही बोल रहे हैं। काम करने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम करो, कोई ऐसा काम देखो जिससे तुम पांचों को बाहर भी ना जाना पड़े और घर बैठे बैठे काम हो जाए। लेकिन मांजी, कोई ऐसा काम देख लो जो घर से ही हो, वो कर सकते हो, वरना आज के बाद मुझे काम को लेकर कभी मत बोलना। जी ठीक है मांजी। निर्मला इतनी बात बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन निर्मला की बहुएं इस बात से बहुत खुश हो गई थी कि उसकी सास ने कम से कम घर से ही सही लेकिन काम करने के लिए हाँ तो कहा। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं, तभी सिमरन चारों से बोलती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कोई पार्लर खोल लेते हैं, ये घर में रहते हुए आराम से हो जाएगा। अच्छा, और हम पांचों में पार्लर का काम किसे आता है? यहाँ किसी को लाइनर तो लगाने आता नहीं है और पार्लर खोलेंगे हम। अरे बोल रही हो तो कोई सेंस की बात तो बोलो, जो हमें आता ही नहीं वो काम हम कैसे कर सकते हैं? हम कोई दुकान भी तो खोल सकते हैं ना। हम दुकान खोलेंगे तो घर में ही कोई बड़ी सी दुकान खोल लेंगे, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है और माँ जी भी खुश हो जाएंगी। वाह भाई वाह, दुकान वो भी बड़ी सी। अरे माँ जी ने इतनी मुश्किल से तो हमें काम करने की इजाज़त दी है और अब हम बड़ी सी दुकान खोलने के लिए पैसे मांगने गए ना, तो उसी दुकान में माँ जी हमें बंद कर देंगी। हाँ, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हम पांचों को अच्छे से भी आता हो और उस काम में ज्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े। लेकिन ऐसा कौन सा काम है? इतनी मुश्किल से परमिशन मिली है लेकिन अब ये अलग प्रॉब्लम है कि करे तो करे क्या हम? मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तुम चारों को आ रहा है तो बता दो। यही तो दिक्कत है कि आइडिया नहीं आ रहा है। माँ जी पैसे देने से रही, अब तो हमें काम करना ही है, लेकिन ये कैसी प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आ रहा करे क्या। क्यों ना हम माँ जी से ही पूछ ले, क्या पता माँ जी कोई आइडिया दे दे और वो आइडिया काम भी आ जाए। क्यों, पिटने वाला काम करना है? माँ जी से आइडिया पूछने गए तो माँ जी हमें और आइडिया दोनों को ही फ्लॉप कर देगी। अब जो करना है ना हमें खुद ही करना होगा। पांचों बहुएं आपस में कोई काम करने के बारे में बात कर रही होती हैं। इतने में उनकी सास वहां आ जाती है और सारी बातें सुनकर निर्मला बोलती है, क्या हुआ, अब तक तुम्हारा काम शुरू नहीं हुआ क्या? माँ जी बस सोच ही रहे हैं कि क्या करना है, जैसे ही कुछ सोच लेंगे तुरंत हम काम भी शुरू कर देंगे। तुम पांचों को गृहस्थी संभालनी चाहिए और पांचों काम करने की सोच रहे हो। अरे भूल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है काम धंधा करना। माँ जी आप उसकी चिंता मत करो, आपने हमें काम करने की इजाज़त दे दी है ना, तो अब हम आपके हिसाब से ही काम करेंगे जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। निर्मला तो पूरे दिल से चाहती थी कि उसकी बहुएं कोई काम ना करें, लेकिन निर्मला की पांचों बहुओं ने ये ठान ही लिया था कि अब उन्हें काम करना ही है। इसीलिए इतना सोचने के बाद नीतू को आइडिया आता है और वो जाकर बाकी की चार बहुओं को बताते हुए बोलती है, देखो अभी ना सर्दी का मौसम आ रहा है और अंडा सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो क्यों ना हम पांचों बहुएं अंडे बेचें। क्या हम अंडे बेचेंगे? पागल हो गई हो क्या तुम? इसमें पागल वाली क्या बात है, पूरी लॉजिक की बात है। हम पांचों को काम तो करना ही है, तो अंडे बेचने सबसे अच्छा काम है। इसमें हम शुरू में कम ही पैसे लगा सकते हैं, जो हमें माँ जी से मांगने की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो इस आइडिया में दम लग रहा है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट खुद ही करेंगे तो माँ जी के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं होगा, और अंडे तो ऐसी चीज है जो सभी लोग खाते ही हैं और खराब भी नहीं होता है। मुझे भी ठीक लग रहा है, मैं तो नीतू के साथ हूँ, कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कर ही ले। हाँ मैं भी नीतू के साथ ही हूँ, काम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे। अब आइडिया मिल गया है तो शुरू करते हैं ना, कब तक सोचते रहेंगे। ठीक है फिर, जब तुम सब एक साथ हो तो मैं क्यों ना रहूं साथ, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतू का अंडे बेचने का आइडिया सबको ही बहुत पसंद आता है और पांचों बहुएं अंडे खरीद कर ले आती हैं, अपने घर के बाहर ही अंडे बेचने लगती हैं, जिसमें उबले अंडे, ऑमलेट, कच्चे अंडे सभी होते हैं। ये सब देखकर वहां निर्मला आ जाती है और बोलती है, तुम्हें काम के लिए बोला था और तुम पांचों ये अंडे बेचने लग गई। माँ जी ये भी तो काम ही है ना, घर में बैठे रहते तो अब घर के बाहर ही बैठे हैं और अंडे बेच रहे हैं। पागल हो गई है क्या तुम पांचों? तुम लोगों से तो कोई अंडे भी खरीदेगा। क्यों माँ जी, हम पांचों से कोई अंडे क्यों नहीं खरीदेगा? ये अंडे हमने घर में थोड़ी ना बनाए हैं, फिर कोई क्यों मना करेगा ये अंडे लेने से? माँ जी आपको तो हमारा साथ देना चाहिए और आप है कि मैं तुम पांचों को आईना दिखा रही हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो घर, फालतू के पांच अंडे बेचने वाली बहू बनी हो, चलो घर। माँ जी आपने हमें खुद ही बोला था ना, हम घर से काम कर सकते हैं,
तो अब हम घर से ही काम कर रहे हैं। घर की गेट पर ही है, हम कहीं बाहर नहीं है, और अगर हम गलत निकले तो आपकी बात मान लेंगे। एक शाम में ही अंडे बेचने वाली पांच बहुओं की अकल ठिकाने आ जाएगी, तब पता चलेगा कि तुम्हारी सास सही बोल रही थी। निर्मला इतना बोलकर वहां से चली जाती है। निर्मला की पांचों बहुएं पूरे मन से अंडे बेचने का काम करती हैं। एक हफ्ते तक लगातार अंडे बेचती हैं और उनका अंडे बेचने का काम भी बहुत अच्छा चलता है और अच्छी कमाई हो जाती है। एक हफ्ते के बाद पांचों बहुएं एक साथ निर्मला के पास अपने सारे पैसे लेकर आती हैं और बोलती हैं, माँ जी क्या हुआ, आ गई अकल ठिकाने? माँ जी ये हमारी कमाई है, अंडे बेचने वाली पांचों बहुओं का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए इसकी जो भी कमाई हुई है हम आपको देना चाहते हैं। मैंने तुम पांचों को हर वक्त सुनाया, उसके बाद भी तुम पांचों ये पैसे मुझे देने आई हो, तो क्या हुआ माँ जी, आपने काम करने के लिए हाँ भी तो कहा ना। हाँ, इसलिए इस पर आपका हक है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी बार रोकना चाहा, लेकिन तुम मुझे अपनी कमाई दे रही हो। अंडे बेचने वाली मेरी पांच बहुओं ने मेरी आंखें खोल दी। निर्मला अपनी बहुओं की बातें सुनकर खुश होती है और फिर वो कभी भी अपनी बहुओं को काम ना करने के लिए नहीं बोलती है, बल्कि अब वो पांचों बहुएं अंडे बेचती तो निर्मला घर का काम देखती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।